हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है परियोजना संगठन का ही एक पार्ट, संभागीय संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले आपने लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था, पढ़ा था, और आज का हमारा जो ये टॉपिक है उससे अगला पॉइंट है वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संभागीय संगठन के बारे में। जब भी कोई परियोजना स्टार्ट की जाती है तो उसके लिए एक अलग स्वतंत्र संभाग की स्थापना की जाती है। उस स्वतंत्र संभाग के द्वारा ही उस परियोजना को क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। इसलिए जब भी कोई परियोजना स्टार्ट की जाएगी तो उसके लिए क्या क्या किया जाता है, एक नए स्वतंत्र संभाग की स्थापना की जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो जब कोई नया संभाग स्टार्ट होता है किसी परियोजना को स्टार्ट से लेकर के अपने अंतिम क्रियान्वित तक पहुंचाने में, तो उस कंडीशन में सब कुछ नया होता है। तो इसके लिए एक टीम तैयार की जाती है। टीम का जो लीडर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, उसके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे, फाइनेंस का, इंजीनियरिंग का, अकाउंट्स का, सभी का अलग अलग, प्रोडक्शन का, सेल्स परचेज। तो इस तरीके से कहने का मतलब है जब भी कोई नई परियोजना का शुभारंभ किया जाता है किसी भी संस्था के द्वारा, तो उसके लिए उस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है, जिसे हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संभागीय संगठन कहते हैं। तो इस प्रकार का जो संगठन है उसमें हमने भी बात करी कि बहुत सारे लोग होंगे अलग से, उनकी जो सभी को एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा, तो इस तरीके से अलग संभाग की स्थापना की जाती है। तो ये जो संगठन है जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो ये किस तरीके से अपने जो कार्य है उसको संपादित करता है, और स्टार्ट से लेकर के एंड तक किस प्रकार की एक्टिविटी और कितने कितने लोग हैं इसमें, वो किस तरीके से समाहित होकर के एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में, ठीक है, जो एक लक्ष्य स्टार्टिंग जो लक्ष्य लिया गया है उसको किस तरीके से वो अंतिम स्तर तक उसको लेके जाते और पहुँचाते और उसको कार्य को समाप्त करते हैं, तो सारी एक्टिविटी इसी के अंतर्गत आती है। फिर इसी के अंतर्गत ये सारे जो डिपार्टमेंट होंगे अलग एक संभाग में, उसमें एक कोऑर्डिनेटर का भी एक डिपार्टमेंट होता है। कोऑर्डिनेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी को तालमेल से जोड़े रखता है, तालमेल बिठाए रखता है, यानी समन्वयक जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो सभी के बीच में कोरिलेशन का काम करता है। तो वो जैसे ही आदेश आता है, हम कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर आदेश आता है, अधिकारी अपने से नीचे वालों के लिए, वो अपने से नीचे वालों को आदेश देते हैं, वो अपने से नीचे वालों को, और नीचे से ऊपर की ओर हमेशा हम कहते हैं कि उत्तरदायित्व है, फॉलो करने पड़ते हैं, उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। तो जो आदेश है वो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। तो इस तरीके से, और सबके बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है जो, तो इस तरीके से संभागीय संगठन में जब भी कोई नई परियोजना स्टार्ट की जाती है तो नया संभाग बनाया जाता है और स्वतंत्र संभाग होता है, और सारी जो जिम्मेदारी है वो उसी की होती है। बात करें सबसे पहले नया आपका सेटअप बनेगा, नई मशीनरी से लेकर के मशीनरी नई स्थापित की जाएगी उसी संभाग के द्वारा, नई लोगों को रिक्रूट किया जाएगा उसी संभाग के द्वारा, उस टीम में जितने सदस्य है या एक्स्ट्रा की ओर की आवश्यकता है तो वो भी उसी टीम का जो मुख्य लीडर होता है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर के जैसे कारखाने का सेटअप करना है तो भी उसी के अंडर होगा वो सारा कुछ। तो इस तरीके से किसी परियोजना को स्टार्ट से लेकर अंतिम क्षणों तक पहुंचाने का जो कार्य है, जो मुख्य जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका होता है। इसका जो प्रारूप है, जो एक डायग्राम के रूप में इसे हम समझते हैं, वो किस प्रकार का होता है तो वो हम देखते हैं, इसका जो प्रारूप है वो किस तरीके का है। तो इसका जो प्रारूप है संगठन का वो आप देख रहे हैं, इसमें स्टार्ट यहाँ से होता है पूरा, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसके अंदर सारा इसका जो स्वरूप दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, किसी भी संस्थान में एक मुख्य प्रबंधक होता है, मुख्य जो चीफ होता है वो संभालता है सारा का सारा काम। तो हमने यहाँ लिख रखा है चीफ एग्जीक्यूटिव। इसके अंडर क्या क्या होता है,
इसके अंदर है इंजीनियरिंग डिवीजन, ये सभी इंजीनियर्स जितने भी काम कर रहे हैं वो इसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वो होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डिवीजन होता है, जहां हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है ये प्रोजेक्ट डिवीजन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जिसमें एक प्रोजेक्ट न चल के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। सपोज कीजिए 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग है, अलग अलग उनके कारखाने, अलग अलग उनको टास्क दिया गया है, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट डिवीजन है यही संभालता है सभी को, इसी से आगे पारित होते हैं कि इतने प्रोजेक्ट है इसमें कौन कौन किस तरीके से काम करेगा। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो किसी एक प्रोजेक्ट का है, लेकिन जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे ये काम उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, नाम चेंज हो जाएंगे, ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट डिवीज़न होता है। इसके बाद में है कॉमर्शियल डिवीज़न, ठीक है, जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ जो है वो सारा का सारा, इसको कॉमर्शियल डिवीज़न कहते हैं, वो एक अलग होता है, जहाँ सारी जानकारी जो वाणिज्य विभाग के रूप में इसको सेटअप किया जाता है। और वाणिज्य विभाग क्या करता है, सारी जो जानकारी है जो वाणिज्य संबंधित है वो अपने पास रखता है। तो इस तरीके से इसमें मुख्य रूप से अकाउंट्स मेंटेन करना और करना, ये चीज़ें आ जाती है सारी, ठीक है। ट्रेडिंग का काम है वो सारा का सारा काम है, विशेष रूप से खाता से जुड़ा हुआ और है वो सारा सारा लगभग इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट डिवीज़न है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त करता है जो उस संपूर्ण प्रोजेक्ट को संभालने वाला होगा, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को संभालने वाला जो व्यक्ति है उसको कुछ और भी आदमी चाहिए, केवल वो अकेला नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले वो डिपार्टमेंट बनाता है, उसके कुछ मुखिया या कुछ हेड भी बना देता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर किसी प्रोजेक्ट को संभालने वाला व्यक्ति प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ठीक है। किसी एक प्रोजेक्ट पे मुख्य यही होता है। ये परचेज डिपार्टमेंट बना दिया है, तो इसमें इस डिपार्टमेंट में परचेज से जो संबंधित सारी चीज़ें हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद में ये नीचे ये बना देता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। फाइनेंशियल का आप समझते हो कि पैसे का लेन देन करने वाला जो है वो सारा का सारा एक अलग डिपार्टमेंट में, इससे फाइनेंस का जो पैसे का लेन देन का मामला यहाँ जाए, अकाउंट्स जितना पैसा कहाँ गया कहाँ आया, लेन देन से संबंधित, खाता बही से संबंधित जो जानकारी है सारी की सारी वो इस अकाउंट। कंट्रोल का मतलब ये होता है यदि काम किया जा रहा है कहीं स्थिति बिगड़ नहीं जाए, उससे संबंधित जो कंट्रोलर है वो भी यही इसी विभाग में तय किए जाते हैं कि कहीं कोई अगर स्थिति सही नहीं हो, फाइनेंस कंडीशन ख़राब हो जाए, यदि फाइनेंस कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो निश्चित रूप से मानते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट फेल होने की ओर चला जाएगा। तो इसलिए इन सभी पे अकाउंट से ही पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ने वाला है या नहीं है, ठीक है। सपोज़ कीजिए 20 लाख का प्रोजेक्ट लगाया था लेकिन उसमें पैसे की 10 लाख की और ज़रूरत पड़ गई, लेकिन हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है पैसा नहीं है हमारे पास, तो फिर आगे न तो ये परचेज डिपार्टमेंट काम करेगा न इसका दिमाग काम करेगा। तो ऑल ओवर इस पे ज़्यादा कंट्रोल करना है। तो फाइनेंस के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो वित्त यानी फाइनेंस की बात करें, पैसे की बात करें, वित्त अगर हम समझे फाइनेंस, तो वित्त को किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त कहा गया है। जिस तरीके से हम लोग जिंदा रहते हैं, ब्लड होता है ना हमारे शरीर में, वो हमें जीवित रखता है, उसी प्रकार से जो व्यवसाय होता है उसका जो ब्लड क्या है वो है पैसा है, वित्त यानी पैसे से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फाइनेंस तो जो वित्त है वो यदि होगा तो उसका जीवन चलता रहेगा, अदरवाइज व्यवसाय हमारा क्या हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये बात कही गई है। तो इसको भी साथ में यहीं से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर है इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके सीधा कारखाने वाली साइड में चला जाता है जहाँ प्रोडक्शन का हमारा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो वहाँ एक मुख्य जो एक अभियंता होते हैं, इंजीनियर को अभियंता बोलते हैं, तो अभियंता का एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। उसके अंडर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंजीनियर होते हैं, ठीक है। कोई बिल्डिंग वाली लाइन का देगा, कोई मशीनरी का होगा, तो कोई इलेक्ट्रिकल का होगा, तो कोई अलग एडजस्टमेंट वाला भी इंजीनियरिंग का काम होता है वो भी देखने वाला होता है।
तो इस तरीके से देखें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमने आप देख रहे हो कि चार प्रकार के इंजीनियर इसमें सेट किए गए हैं। सबसे पहला है वो है सिविल इंजीनियर जो सामान्य, ठीक है, मैंने कहा मैक्सिमम ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, ये काम कर सकते हैं और किसी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़रूरी होता है। बिना कंस्ट्रक्शन के आप शेड बनाओगे और बनाओगे कंस्ट्रक्शन का काम करोगे तभी उसके अंदर जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाओगे, खुले में तो कर नहीं सकते। तो इस प्रकार का जो काम है मुख्य रूप से इसी प्रकार के जो सिविल इंजीनियर के अंडर आता है और वो साइट देख करके कहाँ क्या क्या कंस्ट्रक्शन होना है, कितना माप तोल, वो सब कुछ उसी के अंडर आता है। उसके बाद में बात करते हैं मैकेनिकल की। हमने कहा इससे मशीनरी मैकेनिकल जो इंजीनियर होता है मशीनरी जितने भी कहाँ कहाँ सेटअप करनी है, किस जगह सेट करनी है, किस आकार की होनी चाहिए, वो सारा का सारा मैकेनिकल का जो इंजीनियर है वो मुख्य जो उसका इंजीनियर होता है वही तय करता है कहाँ से किस जगह सेट करना है, कौन जगह सेट करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे मशीनें जो, और कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में उसको सेट करना है। उसमें कहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता होगी तो वो देखेगा और उसमें कहीं कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो देखेगा, नई परचेज करनी है तो वो सलाह देगा। तो मशीन से संबंधित समस्त प्रकार की जो जानकारी है या जो एक्टिविटी है वो ये कंट्रोल करेगा, ठीक है, मैकेनिकल वाला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए जितने भी जो काम होंगे वो इलेक्ट्रिकल का जो इंजीनियर होता है वो देखता है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई कारखाना कोई फैक्ट्री चलती है तो उसमें इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। उसके लिए पावर कनेक्शन भी लेना पड़ता है। छोटी मोटी आपने आस पड़ोस में देखते हो जैसे फ्लोर मिल लगी होती है, आटा चक्की लगी होती है, उसमें भी अलग कनेक्शन लेना पड़ता है बिजली का, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी वाट है जो यूज लेती है। इस तरीके से जो बड़ा कारखाना हो बड़ी बड़ी मशीनें चलेगी तो इलेक्ट्रिक यदि घरेलू वाला सीधा लेंगे तो तुरंत उसके फ्यूज उड़ जाएंगे तो वो चल नहीं पाता है। तो इसलिए पावर कनेक्शन लेना पड़ता है और उस पावर कनेक्शन को मशीनों में किस किस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है वो तो एक इंजीनियर ही कर सकता है। तो वो जो काम है वो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक के मशीनरी आइटम नहीं चल सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक हमें सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। कई बार उद्योग धंधों के लिए ऐसी स्कीम होती है कि 8 घंटे उपलब्ध है बिजली, कई बार 12 घंटे उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। तो ये भी बड़ी दिक्कत वाला मामला होता है, कई स्टेट्स में ऐसे देखने को मिलता है। उस कंडीशन में इनको जनरेटर लगाने पड़ते हैं, पावर जनरेटर होते हैं बहुत बड़े बड़े, और वो उस कारखाने की जो हैवी मशीनें हैं उनको चलाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होता है वो क्या करता है, समस्त प्रकार का जो बिजली से संबंधित, चाहे वो जनरेटर का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिक पहुँचाने का काम हो, चाहे एक शेड से दूसरे शेड में हो, चाहे एक साइट से दूसरे साइट्स पे हो, चाहे एक मशीन से दूसरे मशीन पे हो, या समस्त प्रकार की मशीनों में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इसी जो इंजीनियर है उसके द्वारा सॉल्व की जाती है। कमिश्निंग इंजीनियर है। अन्य जो एक्टिविटीज़ में यदि को जो ज़रूरत पड़े किसी इंजीनियर की तो वो कमिश्निंग इंजीनियर है, वो इसको देखता है। इन सभी का नीचे जो प्रोजेक्ट साइट टीम है, ठीक है, कारखाने की टीम है और अन्य जितने भी प्रोजेक्ट के ना मतलब कारखाने में जितने भी लोग काम कर रहे हैं इंजीनियर्स के अलावा नीचे, उन सब का सीधा कंट्रोल इन चारों का उन पे होता है। और ये जो प्रोजेक्ट टीम है मुख्य प्रोडक्शन करने वाली टीम यही है, इन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है और ये किसी नई चीज़ का निर्माण करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो इन्हीं का ही है। तो इसलिए जो प्रोडक्शनिंग, इसको प्रोडक्शनिंग टीम भी बोलते हैं, प्रोडक्शनिंग टीम है वो यही है। तो इस पे कंट्रोल इनका होता है। इसके द्वारा एक बात करें, ऊपर एक एरो देख रहे हो आप, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो जो कंट्रोलर होता है इनके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर होता है इन्हीं में ही, ठीक है। वो पूरे प्रोजेक्टर को एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। वो सूचना इधर से उधर इधर से उधर, ये सीधे जो टीम है इसके जो लेबर है वो सीधे इस इंजीनियर ऊपर, जो इंजीनियर चार प्रकार के हमने दिखा रखे इनसे संपर्क सीधे नहीं करते, वो अपने मुखिया जो प्रोजेक्ट कंट्रोलर होता है उससे संपर्क में होते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई साइट्स पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रोजेक्ट कंट्रोलर है ये उसको बताएंगे। ये जो व्यक्ति है यदि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई है तो इससे संपर्क करेगा,
मैकेनिकल, तो इससे सिविल की कोई दिक्कत आ रही तो इससे संपर्क करेगा। इन सभी से भी कोई अगर बात नहीं बने तो सीधा डिपार्टमेंट में जाएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है उससे बात करेगा, और इससे भी यदि बात नहीं बने तो सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर से भी जा करके मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये समन्वय का काम करता है, तो इसलिए इसका जो रोल है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से जो एक संभागीय संगठन की बात करें, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वो इस तरीके से उसका ये जो प्रारूप होता है, और इस तरीके से जो किसी भी संस्था है उसको यदि आगे बढ़ना होगा तो इस प्रोजेक्ट की सहायता से, इसी तरीके से यानी संगठन की सहायता से उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी संस्था के यदि बात करें चहुमुखी विकास की या उसके आगे बढ़ने की, तो उसको किसी न किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। यदि फॉलो करेगा तो संस्था अच्छे से सही तरीके से सही जो स्टैंडर्ड माने गए हैं आगे विकसित होने की संस्था के, वो सारे पास करते हुए आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं लटकती हुई, कहीं परेशानियों में घिसटती हुई संस्था नीचे की ओर चली जाएगी। तो ऑल ओवर हमारे टॉपिक में आज इतना ही था। आज के अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।